टोटल जो भी 793 पुलिस स्टेशन है उनकी कमीशनिंग आज और कल में ख़त्म हो जाएगी। इस कमीशनिंग के दौरान हम लोग जो बीयू है, पैलेट यूनिट है, इस पर हम लोग कैंडिडेट्स के नाम करते हैं, डालते हैं, और कंट्रोल यूनिट पे हम लोग कैंडिडेट सेटिंग करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किए, और वीवीपैट में सिंबल अपलोड करते हैं। तो आज के बाद इन सभी ईवीएम पोलिंग स्टेशन में फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पूरा जो प्रोसीजर होता है आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सिक्योरिटी के बीच में होता है और पोलिंग पार्टीज के साथ कॉपरेशन के साथ होता है। इस दौरान ईवीएम्स को दोबारा से चेक किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि पोलिंग स्टेशन, पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम के साथ कोई समस्या ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और सुचारू रूप से पोलिंग किया जा सके। और मैं जिस तरह से उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे ईवीएम बहुत अच्छे हैं, M3 ईवीएम आए हैं जो पहले वाले ईवीएम से कई इम्प्रूवमेंट हैं उसमें, और पोलिंग जो बहुत स्मूथली होगा। अच्छा, कितने हैं टोटल हमारे पास? अभी लगभग 1000 के आसपास ईवीएम हैं, जिसमें से 793 तो पोलिंग स्टेशन के लिए हैं और लगभग 25% रिजर्व ईवीएम्स हैं जो किसी गड़बड़ी में उस पोलिंग स्टेशन में काम आएंगे।